जोर लाइए। मैं राकेश्वर का चाचा, ठीक है। मैं इनके बिहाफ में सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके बाद मैं जो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो जम्मू जे एंड के की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहाँ के सीएम का, भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ का जो एक्स सीएम था रमन जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी एक बयान दिया था कि तो जो हमारा कमांडो नक्सलियों के कब्जे में आ रखा है वो सकुशल वापस आना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनल बात है। युद्ध के समय भी कोई बंदी बन जाता है तो उसको भी सकुशल वो भी छोड़ देते हैं और उसकी लाने की जिम्मेवारी भी रहती है। दूसरा, जो हमारे जे एंड के सरकार के एलजी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी बोला कि हम उसको ऑर्केस्ट्रा कमांडर को छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो इसका डिपार्टमेंट है ना, जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, उनके भी लगातार एफर्ट्स रहे इनको मतलब छुड़ाने के लिए। जो इसमें बीच में मीडिएटर थे है ना, श्री धर्मपाल पदम श्री या दूसरे बरिया हैं, एक जो समाज सेविक तीन है, उनमें पत्रकारों का जो उसमें 3-7 पत्रकार डिटेल हुए थे इनको लाने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जो जहाँ का लोकल मीडिया है, ठीक है, मैं भी फकर से कहता हूँ कि उनका भी बहुत योगदान रहा इनको छुड़ाने के लिए। इनके मेडिटेटर्स आए हैं, 6 बंदों की टीम आई है, मेडिटेटर्स की 10 बंदों की टीम थी, उसमें से 6 आए। तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि काफी लंबे अरसे से आप इंतजार कर रहे थे? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पापा मेरे वापस आ गए। आपने पापा से क्या मांगा था? पापा खुशी का संकेत था। आपने प्रे किया था आपके पापा घर पहुँच जाए इस क्षेत्र में, आज पापा आपके पास पहुंच चुके हैं, आप प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया कैसे करेंगे? उन्होंने मेरे पापा को जल्द से जल्द वापस घर लौटाया।